वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाज़िर हुई हूं हुस्न कंवल का नॉवेल तेरी सितमगिरी की किस्त नंबर 38 लेकर। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। वो अरीबा को लेकर कार में बैठा, गाड़ी में खामोशी छाई थी, सोगवार खामोशी। और क्यों करना होती, पहली बार उसके बाप ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। न सर पर हाथ रखा, न कोई दुआ दी, उसकी माँ ने भी उसे गले ना लगाया। वो रोती हुई अपने घर से विदा हुई। ज़ैन वाकिफ था कि वो रो रही है, लेकिन उसकी जानिब रुख ना किया। खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी मुट्ठियाँ भींचने लगा। उसे रोता देखकर खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन जानता था कि इस वक्त वो खामोश ना होगी, चाहे वो कुछ भी कह ले। वो उसे होटल के रूम में ले आया था। अरीबा रूम में हिचकिचाहट के साथ दाखिल हुई। ज़ैन ने दरवाज़ा लॉक किया तो दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, जबकि मुकाबिल बग़ैर उसकी जानिब देखे सोफे पर बैठकर पानी पीने लगा। क्या वो खुश भी था इस निकाह से? अरीबा उसकी जानिब देख अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। दरवाज़ा ज़ैन ने खोला तो उसका ऑर्डर किया सामान लेकर दो वेटर दरवाजे पर खड़े नजर आए। शुक्रिया, वो खाने का सामान टेबल पर सजाकर और शॉपिंग बैग सोफे पर रखकर चले गए थे। दरवाज़ा उनके जाते ही उसने दोबारा लॉक कर दिया था। वो अजनबी हरगिज ना थे, लेकिन ना जाने क्यों इस लम्हे एक दूसरे को अजनबी ही लग रहे थे। तुमने तो रो रो कर ही पेट भर लिया होगा अपना, वो रूखे से लहजे में कहता हुआ खाना शुरू करने लगा, जब वो हसीन दिलरुबा खुद ही उठकर उसके बराबर में आकर बैठी। तुम खुश नहीं हो क्या ज़ैन? वो काफ़ी देर से ज़ैन की खामोशी को महसूस कर रही थी। आखिरकार उसकी जानिब देख हिम्मत कर हीरी सवाल करने की, तुम खुश हो? बग़ैर कोई तास्तुर चेहरे पर लाए उसकी नीम शहद रंग आँखों में झांकते हुए सवाल पलटा। खुश, शायद ये लफ्ज़ मेरे जज्बात की अकासी के लिए नाकाफ़ी है, वो इत्मीनान बख्श अंदाज में गोया हुई। वह उस बात में सर हिलाकर मज़ीद कोई बात किए बग़ैर चावलों से भरा चमचा मुँह में रख गया। इसमें तो बहुत मिर्चें हैं, वो स्पाइसी खाने का आदि ना था, जबकि चावल काफ़ी मिर्चों वाले थे उसके नज़दीक। जबकि अरीबा ने लुकमा लिया तो उसे उल्टा चावल फीके से लगे। कहाँ है मिर्चें? वो आईब्रोज काकर अचंभे से बोली। मुझे तो लग रही हैं, वो भोलेपन से जवाबदा हुआ। तुम खा लो, मैं मीठा खा लूँगा, उसने अपना चमचा प्लेट में रखते हुए सोफे से कमर टिकाकर मायनी खैज अंदाज में उसके सरापे को तकते हुए कहा। मीठा? मगर मीठे की तो कोई डिश है ही नहीं। अरीबा ने उसकी आंखें नहीं देखी थी जो वो समझ पाती के मुकाबिल क्या कह रहा है। वो हसीन दिलरुबा नासमझी से उसकी जानिब देखते हुए भोलेपन से कहने लगी। वाकई नहीं है? गर्दन को हल्का सा आड़ा कर शोखी आंखों में सजाए अपने नीचे के होंठ को चबाते उसकी लट को कान के पीछे कर महफामाना अंदाज में इस्तफसार किया। उसके हसीन चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट रक्सा थी, जिसे देख अरीबा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रुक गया था। हाथ में पकड़ा चावलों से भरा चमचा, जिसे वो बस मुँह में डालने ही लगी थी, इस खूबरू नौजवान की बात का मतलब समझते ही हड़बड़ाहट में हाथ से छूट गया था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो, या भागने का सोच रही हो फिर से? उसकी आंखें हैरत से बड़ी होती देख वो कान की लो के पास अपना मुंह लाकर मध्यम सी सरगोशी करने वाले अंदाज में इस्तफसार करने लगा। अगर सोच भी रही हो तो मैं बता दूं, अब नहीं, हरगिज नहीं, कानूनन व शरण बीवी हो अब तुम मेरी, और आज से मेरे अलावा किसी का ख्याल भी गुजरा तुम्हारे जहन में तो मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। अरीबा उसकी बात सुन अभी एहतजाज में बोलने ही लगी थी कि मुकाबिल उसके अनाबी लबों पर अपनी उंगली रख गया। उसके हाथ का दहकता लम्स पूरे वजूद को सुलगा गया था। लफ्ज़ मुँह में ही कहीं दम तोड़ गए। मुकाबिल बैठा वो हसीन नौजवान उसके बालों में अपनी हाथ की चार उंगलियाँ उलझा कर अंगूठे को उसके रुखसार पर नरमी से मसलते हुए एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करने लगा। उसकी क्रिस्टल सी चमकती आंखों में जनूनियत उतरी थी। तुम्हारे अलावा किसी के मुतालिक सोचना, ये तो मरकर भी मुमकिन नहीं,
वो हसीन दिलरुबा मुकाबिल की आंखों में झांकते मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोली। उसकी आंखों व लहजे में सदाकत थी, मगर न जाने क्यों मुकाबिल फिर भी बेएतबारी से मुस्कुरा दिया। खाना खा लो तुम, कहकर अपना हाथ उसके बालों से हटाया। तुम भी खाओ ना, उसकी गहरी बोलती निगाहों की तपिश वो अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। दिल ने स्पीड पकड़ी थी, जबकि पूरा जिस्म अजीब सी कैफियत का शिकार था। अब ऐसी हालत में खाना कहाँ से हलक से उतरता। वो शर्मगी सी नज़रें झुकाए बोली, नहीं मुझे सिर्फ मीठे की चाह है। वो अपनी नाक उसके रुखसार पर नरमी से मसलते मध्यम व भराई आवाज़ में अपनी चाह का इजहार करने लगा, जिस पर वो मज़ीद जीम गई। उसके रुखसार मुकम्मल सुर्ख पड़ने लगे, पूरा जिस्म गर्म पड़ने लगा, कानों से जैसे धुआं निकल रहा हो। फुल एसी चलने के बावजूद उसके हाथों में पसीना आ रहा था। जैन उसके गालों को सुर्ख पड़ता देख खासा महजूज होकर उसके उल्टे हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाकर उसका खूबसूरत व चूड़ियों से भरा हाथ अपने लबों तक लाकर नरमी से चूमने लगा। खाना तो खाओ, दानिस्ता तौर पर मुसलसल तंग करने के बावजूद भी वो खाना खाने पर जोर दे रहा था। खाना इस हाल में उस बिचारी के हलक से कैसे उतरे, अब कोई उस शरारती सितमगर से ये भी तो पूछे। खा लिया बस, अरीबा ने अपने सीधे हाथ से पानी का गिलास मुंह से लगाया और एक ही सांस में सारा पानी पी गई। गला मुकम्मल खुश्क पड़ चुका था इस सितमगर की शरारतों के सबब। फिर बचे हुए खाने को ढक दिया। जैन उसकी हालत देख बेख्तियार मुस्कुराए चला जा रहा था, जो मज़ीद इस हसीन गुड़िया को नर्वस कर रहा था। मैं फ्रेश होकर आ जाऊँ जैन, जैसे ही करीब आने लगा अरीबा फौरन ही नर्वस होकर सोफे से अचानक खड़ी होकर बोली। इसकी हालत के पेश नज़र जैन ने इस बात में सर हिलाया, बस मुकाबिल के सर हिलाने की देर थी, वो तो ऐसे भागी जैसे उसके पीछे किसी ने कुत्ते छोड़ दिए हों। फौरन ही भाग कर वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम में जाते ही दरवाज़ा लॉक किया, दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। कुछ देर बाद जब दिल की स्पीड नॉर्मल हुई तो अपना चेहरा आईने के अक्स में देखा, चेहरा गुलाबी हो रहा था। उस परदेसी पिया की मोहब्बत का रंग अपने चेहरे पर छाया देख वो खुद से ही झेप गई थी। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने अनाबी होंठों पर आन बिखरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरे में अंधेरा छाया नजर आया, इस कदर अंधेरा के हाथ को हाथ सजाई ना दे। वो थोड़ा डर कर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी। ई ई, उसने अंधेरे में आवाज़ दी। वो चलती हुई किसी चीज़ से टकराई, शायद बेड से। आह, अभी कराकर उसकी सिसकी की आवाज़ कमरे में गूंजी ही थी कि साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन हुआ। लैंप के ऑन होते ही पूरे कमरे में जर्द रंग की रोशनी फैली, जिसके सबब वो हसीन नौजवान बेड पर लेटा हुआ नज़र आने लगा। क्या हुआ, वो बेड से उठकर बेड फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा। अंधेरे के सबब बेड से पाँव टकरा गया, उसने बेड पर बैठकर अपना पाँव उठाकर बेड पर रखकर नरमी से अपने पाँव का अंगूठा मसलते हुए जवाब दिया। ओ दिखाओ मुझे, ज़्यादा तो नहीं लगी, वो फिक्रमंद लहजे में कहता हुआ उसके पाँव पर झुककर बगौर मुआयना करने लगा। उसका खूबसूरत पाँव अब इस सितमगर के हाथ में था, वो नरमी से अंगूठा मसलने लगा। उसके हाथों का लम्स पूरे वजूद में बरकी रो की तरह बिजली दौड़ा रहा था। ठीक है अब, अरीबा का दिल फिर बेकाबू होने लगा। दिल इस खूबरू नौजवान के करीब आते ही ऐसे ही बेकाबू हो जाया करता था, लेकिन आज मामला मज़ीद संगीन नोयत अख्तियार कर गया था। वो झुककर इन खूबसूरत और संगे मरमर से तराशे हसीन पाँव को अपने लबों से चूमकर उसकी जानिब देख आहिस्तगी से इस्तफसार करने लगा। उसके अमल पर जैसे जान निकली थी, वो झेप कर मुस्कुरा दी। मैं तुम्हें आवाज़ दे रही थी, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, वो एक आईब्रो उचकाकर उलझी निगाह से मुकाबिल को तकते हुए पूछने लगी। क्योंकि मैं चाहता था तुम अंधेरे में आकर मुझ पर गिर जाओ, वो शौखी से बोला। उसका जवाब सुनते ही अरीबा मजीद झेप गई, मगर बजाय गिरने के तुम तो चोट ही लगा बैठी। अरीबा को महसूस हुआ जैसे वो शिकवा कर रहा हो उससे कि उस पर क्यों ना गिरी, जिस पर वो बेख्तियारी झेप कर मुस्कुरा दी। ये सब ऐसे ही पहने रहोगी, उसने मासूमाना सवाल किया। नहीं, मगर मेरे कपड़े वगैरह, अभी वो बोल ही रही थी परेशान कुन लहजे में कि जैन फौरन उठा और सामने सोफे पर रखे शॉपिंग बैग उठाकर ले आया। ये लो चेंज कर लो, उसने बैग उसकी गोद में रखते हुए संजीदगी से कहा। तुम तो पूरी तैयारी से आए हो, वो बेसाख्ता ही कह उठी। बिल्कुल, फिलहाल ये बातें छोड़ो, पहले चेंज कर लो,
कंफर्टेबल महसूस करोगी बेड पर बैठते हुए, नरमी से गोया हुआ। ठीक है, मैं चेंज कर लेती हूँ। वह इस बात में सर हिलाकर बैग हाथ में लेकर उठी। क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ, लचकदार अंदाज में इस्तफसार किया। हाँ, ये दुपट्टा बहुत सारी बालपिनों से सेट है, इन्हें निकालने में मेरी मदद कर दो, उसने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैन मुस्कुराते हुए फौरन करीब आकर उसके बालों से दुपट्टा अलग करने में मदद करने लगा। दुपट्टा उतरा तो जैन ने बेड के साइड पर रख दिया, फिर जूड़े से उसके रेशमी बालों को आज़ाद किया। रेशमी जुल्फे खुलते ही कमर को ढांक गईं। उस लड़के की उंगलियां अस खुद ही इन रेशमी जुल्फों से खेलने लगीं। क्या मैंने कभी कहा तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, उसने बालों को सूंघते हुए भराई आवाज़ में कहा। उसकी गर्म सांसें अरीबा को अपनी गर्दन झुलसाती मालूम हुई। नहीं, कभी नहीं, तुमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे ई हो। मानो उसकी नज़दीकी तनोमन सुलगा रही थी, मगर जो शिकवा दिल में हर वक्त रहता था वो जबान पर अस खुद ही फिसल आया था। मैं जैन हूँ अरीबा, जैन वक्कारुद्दीन, उसने खासा जताते हुए इन नीम शहद रंग आँखों में अपना अक्स देखते हुए संजीदगी से कहा। इस लम्हे कुछ अजीब सा खिंचाव था उसकी भूरी आँखों में, जो अरीबा महसूस कर रही थी। इस सितमगर ने शिकवा करने के बावजूद भी ना कहा कि वो इसका ई है, ये बात उसे खासा चुभी थी। जैन वक्कारुद्दीन तो तुम दुनिया के लिए हो ना, मेरे लिए तो मेरे ई हो, वो नहायत पुरुमीद निगाहों से तकते हुए लचकदार अंदाज में भोलेपन से बोली। ई को तुम बहुत पहले ही मार चुकी हो और मरे हुए वापस नहीं आते, वो खासा सपाट से लहजे में गोया हुआ। उसका जुमला मुकाबिल के दिल को ज़ख्मी करने के लिए काफ़ी था, जिसके इश्क में दीवानी होने की इंतहा है वो इसे ही अपना कातिल किरार दे रहा थे। वो लड़की वो दीवानी कैसे ना तड़पे। तो फिर तुम कौन हो, जैन ने इसकी आवाज़ में कर्ब महसूस किया, जिसे इस हसीन दिलरुबा का दिल टूट गया हो। उसका सख्त जुमला सुन, जैन वक्कारुद्दीन तुम्हारा हस्बैंड। उसका लहजा नहायत अजनबियत भरा था, जैसे किसी अजनबी को अपना तारुफ दे रहा हो। अरीबा उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के जज्बे को तलाश करने लगी। लेकिन मुझे अपना ई चाहिए, जैसे कोई बच्चा ज़िद पर अड़ा हो वैसे ही वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए, बज़िद लहजे में गोया हुई। क्यों, जहन में कुछ ख़राबी है, वो मुस्कुरा दिया था इस दुल्हन बनी लड़की की बचकाना ज़िद देख। सिर्फ कुछ, वो मुझे नहीं समझता, ना वो मुझसे अपनाइयत से बात करता है, ना ही मुझे उसकी बातों से उनसियत होती है। वो अजनबियत का एहसास दिलाता है मुझे, हर वक्त गुस्से में ही रहता है वो। बाज़ औक़ात मुझे लगता है वो चिढ़ रहा हो मेरे वजूद से, वो मेरे सदक जज्बात सुनकर हंसता है, जबकि मेरा ई ऐसा नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे ई और जहन में, वो उसकी भूरी आँखों में झांकते हुए मासूमियत की इंतहा पर पहुंचकर उससे ही उसकी शिकायत कर रही थी, बता रही थी कि किस कदर महसूस करती है वो उसका उखड़ापन, अजनबियत, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तंजिया हंसी। जवाब में वो फिर मुस्कुरा दिया। इस लम्हे सितमगर की मुस्कुराहट दिल को काटती मालूम हुई। एक लफ्ज़ भी झूठे मुँह अदा ना किया दिल जोई के लिए, तुम अभी भी सिर्फ हंस रहे हो, न जाने क्यों आंखों में आंसू भर आए। उसकी बेगानगी दिल को अजियत में मुब्तला कर रही थी। इस खूबसूरत रात को मैं शिकवे व शिकायत की नज़र नहीं करना चाहता, अभी वो बोलने ही लगी थी कि मुकाबिल ने इसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर बात को बढ़ने से रोका। उसकी बात सुन वो उदासी से मुस्कुरा दी। आज की रात में हर चीज़ भूल जाना चाहता हूँ, हर बात, हर तलख याद, हर ज़ख्म जो तुमने दिया मुझे। उसकी लंबी जुल्फों में अपनी लंबी उंगलियाँ उलझाकर सुराहीदार व दूधिया गर्दन को एक झटके से अपने चेहरे के नज़दीक करते संजीदगी से कहा। पीली रोशनी इस दुल्हन बनी लड़की के हुस्न में मज़ीद चार चांद लगा रही थी। कौन से ज़ख्मों की बात कर रहा था वो, अरीबा सोच कर उलझी। अपने कज़न से छीनने के चक्कर में एक खिलौने की मानिंद उसका इस्तेमाल किया इस सितमगर ने, और अब खुद को ऐसे मजलूम जाहिर कर रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं। वो अभी एहतजाजन बोलती इससे कबल ही वो इसकी पेशानी को नरमी से चूमते हुए मधम व सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी महक बहुत मीठी सी है, मुझे बहुत पसंद है। वो आंखें मूंद गई, शुक्रिया तक ना कहा तारीफ करने पर, क्योंकि उसका गुमान यही था कि मुकाबिल रस्मी तारीफें कर रहा है, जबकि ऐसा हरगिज़ ना था। उसे वाकई बहुत पसंद थी उस हसीन दिलरुबा की खुशबू।
उसका शिद्दत भरा लम्स जिस्म से जान निकालता मालूम हुआ। सच बताना, क्या कभी एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिए ही सही मुझसे मोहब्बत की तुमने? कभी ऐसा हुआ कि मेरी कोई बात वाकई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर लाई हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि तन्हाई में किसी भूली बसरी चीज़ की मानिंद में याद आई हूँ? क्या कभी ऐसा हुआ कि मेरी बातें तुम्हारे जहन में खून की रवानगी की तरह गर्दिश कर रही हूँ? नहायत पुरुमीद लहजे में मुकाबिल के आंखों में झांकते हुए सवालात किए। वो सिर्फ सवालात नहीं थे, वो एक कोशिश थी ये जानने की कि मुकाबिल के दिल में कितना मुकाम रखती है, रखती है भी या नहीं। कपड़े चेंज कराओ, इजी फील करोगी। गंदुम का जवाब चना दिया मुकाबिल ने, जो उस बात को जाहिर करने के लिए काफ़ी था कि वो जवाब नहीं देना चाहता। वो अपने होठों को चबाती, आंखों में तैरने वाले आंसुओं को वापस अंदर धकेलने की कोशिश करती। इस बात में सर हिलाकर फौरन गोद में रखे बेघात ने पकड़कर उठी। वो वॉशरूम में जाकर रोने लगी, जिस शख्स की ख्वाहिश बरसों से अपने दिल में लिए हुई थी, आज उसके करीब होकर भी शदीद दूरी का एहसास हो रहा था। आईने में खुद को देखा, जैसे खुद से ही नफरत हो रही हो। क्यों कर इस सितमगर से दिल लगा बैठी, ये जानते हुए भी कि सिर्फ एक मामूली सा खिलौना है उसका। फिर भी एक साल उसकी राह तकी, उसका इंतज़ार किया, उसके लिए अपने कीमती आंसू ज़ाया किए, अपनी जान जलाई, ये जानते हुए भी कि फहद अपनी गलती पर पछता रहा है, बार बार उसके आगे अपना हाथ फैला रहा है, गोया के मोहब्बत में झुकता हो उसके आगे, मगर पलट कर जवाब मोहब्बत का मोहब्बत से ना दिया। उसकी आखिरी बार शिकवा करती आंखें, अब आंखों में घूम रही थी। मोहब्बत झुकाती है इंसान को, उसके नज़दीक वो झुक कर आई थी जहन के साथ। कोई माफ़ी नहीं मांगी उसने, ना कोई मोहब्बत का दावा किया, हत्ता कि ये तक ना माना कि इसका ई है, फिर भी आ गई। लहू पी रही थी ये मोहब्बत उसका। उसे गुमान हुआ जैन कोई मोहब्बत नहीं करता, वो अब भी सिर्फ पहाड़ से छीनने के लिए सब कर रहा है, और यकीनन वो कामयाब भी हो जाएगा उसे मुकम्मल तौर पर पहाड़ से छीन लेने में आज। मगर फिर क्या, क्या इसे वो यूज़ करी, क्या वो इसे यूज़ करी अपनी किसी चीज़ की मानिंद एक साइड में फेंक देगा? क्या करने वाला है वो इसके साथ अब? वो यही सोचते हुए नल खोलकर ज़ोर ज़ोर से मुंह पर चपक के मारने लगी। वो कपड़े चेंज कर मस्नूई मुस्कान चेहरे पर सजाए बाहर निकली, तो जैन को इस बार दरवाजे पर ही खड़ा अपना मुंतज़िर पाया। मेकअप क्यों रिमूव कर दिया, अभी तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं था, उसके लहजे में हल्का सा शिकवा उभरा। मगर मुकाबिल खड़ी इस लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस नज़र झुका ली। ये सूट सबिया आंटी ने भेजा था, ये ज्वेलरी वगैरह सब इन्हीं के घर की है, प्लीज़ मुझे एक बार उनके घर ले चलना। ये सामान वापस करने के साथ साथ मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे, उसने नज़र झुकाए आहिस्तगी से इल्तिजाई अंदाज में कहा, जिसे सुन मुकाबिल अजबात में सर हिलाने लगा। ओके, उसने सूट अरीबा के हाथ से लेकर सामने सोफे पर डाल दिया। अगले ही पल वो वापस उसकी जानिब मुड़ा और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। अरीबा ने इस हसीन नौजवान की गर्दन के गिर्द फौरन अपने हाथों से इसार बांधा। दोनों की इसी लम्हे आँखें मिली, वो दोनों कुछ सानियों तक एक दूसरे की आँखों में महू रहे। फिर जैन इसे बेड की जानिब ले जाने लगा। लेकर इजाज़त अब आपसे सांसें ये आती जाती हैं, ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं। उसकी आंख खुली तो कल रात की हसीन यादों ने कुछ लम्हों के लिए उसे अपने हिसार में जकड़ लिया। वो शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजाए उठकर बैठी। वो उस पल जैन की ब्लैक रंग की टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, खुली आबशार पूरी कमर को ढांके हुए तो कुछ आवारा लटे चेहरे पर बिखरी हुई, जिन्हें उसने एक अदा से कान के पीछे किया। उसने बराबर में देखा तो जैन मौजूद ना था, अलबत्ता उसकी साइड टेबल पर एक पीले रंग की चिट दूध के गिलास के साथ रखी नजर आई, जिसे उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना हाथ लंबा कर उठाया। गुड मॉर्निंग डियर, पहला जुमला पढ़ते ही वो मुस्कुराई, मगर अगले ही पल चेहरे से मुस्कुराहट मुकम्मल गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, यकीन ना आया अपनी आंखों पर, क्या वो वाकई इतना बड़ा जुल्म ढा सकता था उसकी जान पर? मोहब्बत न सही हमदर्दी ही रख लेता, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ ना करे जो वो उसके साथ कर गया था। उसने बेएतबारी से आंखों को रगड़ते हुए दोबारा पढ़ा, तुम्हें बहुत शौक है ना भागने का, हमेशा छोड़कर भाग जाती हूँ मुझे,
मगर कैसा हो कि इस बार उल्टा हो जाए। कल की हसीन रात के बाद जब तुम आंखें खोलो तो मैं गायब हूँ, इसी तरह जैसे तुम अचानक गायब हो जाती हो मुझे तन्हा रुलने के लिए छोड़कर। मगर मैं तुम्हारी तरह संग दिल नहीं, मैं बता कर जा रहा हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ अरीवा वापस अपने मुल्क, कल रात की हसीन यादें अपने साथ लिए। अल्लाह हाफिज़ तुम्हारा ज़ैन। यकीन ना आया वो उसे एक रात की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए छोड़ गया। उसने जब कहा कि फिर ईमेल ना करेगा तो अपना वादा वफा किया, फिर ईमेल ना की कभी। शायद यही वजह थी कि जिस्म से जान निकली। वो वादा वफा करता है कमबख्त, वो हसीन गुड़िया हवास बाख्ता होकर बाहर की जानिब भागी इस उम्मीद पर कि इसे रोक सके। नंगे पाँव दुबट्टे से बेनियाज, दुनिया जहाँ से बेखबर, लोगों की नज़रों से लापरवाह, पागलों की तरह चीखती जैन जैन की पुकार लगाती वो पार्किंग तक आन पहुँची थी। जैन की गाड़ी अब वहाँ मौजूद ना थी, ये देख सांस लेने में मुश्किल होने लगी। वो तेज़ी से नंगे पाँव दीवाना वार भागती हुई वापस होटल में आई। रिसेप्शन पर आकर फूले फूले सांस के साथ पूछा, मिस्टर जैन वक्कारुद्दीन मेरे हस्बैंड, उनकी गाड़ी पार्किंग में अब मौजूद नहीं, क्या आप बता सकते हैं वो यहाँ से कितने वक्त पहले निकले हैं। नहायत उजलत थी उसके लहजे में। यकीनन उसके लिए तो ये मामला ज़िंदगी व मौत का था। पैसा नहीं था उसके पास जो न्यूयॉर्क जा सकती बग़ैर जैन के, और वो सितमगर हमेशा के लिए उसे पाकिस्तान में तड़पने व बिलकने के लिए छोड़ गया था। मैम 4 घंटे पहले, वो तेज़ी से जवाबदा हुआ। उसकी बात सुनते ही उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। वो चला गया, वो परदेसी उसका सब लूट कर चला गया। मरे कदमों से चलती हुई वो वापस अपने कमरे में आई। सबसे पहली निगाह बेड पर पड़ी। कल रात की सुनहरी यादें उसकी आंखों के पर्दों पर फिल्म की तरह चल रही थी। वो टूट कर बिखरी थी वहीं बेड के पास, गिरने वाले अंदाज में बैठकर मुंह घुटनों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। तो मेरा डर सच निकला, मुझे हासिल करके बेबुकत कर वो सितमगर चला गया। वो मुझे दुनिया के सामने मजाक बना गया। वो मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता था, मैं सिर्फ उसका खिलौना थी, मैं सिर्फ उसका एक खिलौना थी। वो बार बार एक ही जुमला दोहराते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी। अब शायद वो उसे कभी ना देख सके, सोच लिया था उसने। जुल्म की क्या कोई और इंतहा भी होगी उस पर। ऐन उसके निकाह के वक्त आकर दुनिया के सामने उससे निकाह कर उसे एक रात की दुल्हन बनाकर यूं होटल के कमरे में तन्हा छोड़ गया था वो जालिम सितमगर। वो तो अपनी सारी कश्तियां जलाकर जैन के साथ आई थी कल रात, अब उसका ख़ानदान हत्ता कि उसका बाप उसे कबूल नहीं करेगा, वो कहाँ जाएगी। उफ़ अल्लाह।